रामप्रस्था सोसाइटी में मूलभूत सुविधाओं का टूटा है, ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। बिल्डर की बनवानी से परेशान सोसाइटी के लोग। रामप्रस्था सोसाइटी में मूलभूत सुविधाओं की कमी, जिसकी वजह से सोसाइटी के लोगों को परेशानी हो रही है और बिल्डर की मनमानी से परेशान है सोसाइटी में रहने वाले लोग, की बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही है। तो रामप्रस्था सोसाइटी में मूलभूत सुविधाएं भी नहीं, लोगों को नहीं मिल पा रही है, बिल्डर की मनमानी का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बिल्डर की मनमानी से सोसाइटी के लोग परेशान हैं, ये खबर मिल रही है इस वक्त। रामप्रस्था सोसाइटी में मूलभूत सुविधाओं की भी कमी है, बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। तो साइबर सिटी गुरुग्राम सेक्टर 37D से रामप्रस्था सोसाइटी के निवासी अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। सोसाइटी के विस्ता अपार्टमेंट के निवासी नर्क जैसी जिंदगी जीने को मजबूर है। सोसाइटी वासियों की माने तो बिल्डर ने पहले तो उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाए थे, लेकिन अब उन्हें पानी बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नसीब नहीं हो पा रही हैं। कई बार बिल्डर को अपनी समस्या बता चुकी हैं, लेकिन सोसाइटी के लोगों को परेशानी ही झेलनी पड़ रही है। अपनी समस्या के समाधान के लिए जिला उपायुक्त से भी सोसाइटी के लोग मिल चुके हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। सोसाइटी वासियों ने अब साफ कर दिया है कि अगर उनकी समस्याओं का समाधान जल्द नहीं हुआ तो उन्हें सड़क पर उतरने पर मजबूर होना पड़ेगा। इधर इतना बुरा हाल है जी, एक हफ्ते से पानी नहीं आ रहा है और पिछले 10 दिन से लिफ्ट खराब है और सफाई का कोई समाधान नहीं है। पिछले 2 महीने से इतना बुरा हाल हो रखा है कि लोग बाग इधर रहने के चलते ऐसे बीमार हो रहे हैं। यहाँ हम है ना 15 दिनों से पानी की समस्या से परेशान हो रखे हैं। लिफ्टें हैं, लिफ्टें चलने का नाम नहीं ले रही। 3 लिफ्टें हैं, 3 लिफ्टें 1.5 महीने से बंद पड़ी हैं और उन लिफ्टों की कंडीशन ऐसी है कि कोई है ना सुधार नहीं है उन लिफ्टों का, और मुझे नहीं लगता कि वो लिफ्टें चल पाएंगी। यहाँ पे लोग ऐसे रह रहे हैं जिनका कोई है ना आता पता नहीं है, किसी का कोई आधार कार्ड नहीं है, किसी को कोई आईडी नहीं है, किसी को कोई है ना रेंट एग्रीमेंट नहीं है। लोग है ना अपनी मर्जी से आ रहे हैं, रह रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे है ना ब्रोकर बने हुए हैं, अपनी मर्जी से है ना किसी को फ्लैट दे देते हैं। एक एक कमरे में 10-10 लोग रह रहे हैं, किसी में 8 लोग रह रहे हैं। उन लोगों का ये नहीं पता कि वो लोग कहाँ से आए हैं, कौन है। हम उन लोगों से बहुत परेशान हैं और यहाँ पे है ना पूरी सोसाइटी में कहीं पर भी रात में लाइटों के लिए है ना कोई भी नहीं सुनवाई कर रहे, पूरी सोसाइटी में अंधेरा रहता है। भैया एक तो पानी नहीं आ रहा, यहाँ पे लिफ्ट है वो खराब पड़ी है, एक गंदगी इतनी हो रही है। और पानी आज लेने आए मेरे हस्बैंड सीढ़ियों से और गिर गए। 10 दिन से परेशान हो रहे पानी के लिए। हम तो यही चाह रहे हैं कि यहाँ पे साफ सफाई हो जाए, लिफ्ट ठीक हो जाए। ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, रामप्रस्था सोसाइटी के लोगों को मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही हैं, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है सोसाइटी के लोगों के साथ? जी बिल्कुल, रामप्रस्था सोसाइटी की बात कर रही हूँ तो ये बिल्डर सोसाइटी है। बिल्डर सोसाइटी में ही लोगों के सामने मूलभूत सुविधाओं के लिए भी कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रामप्रस्था बिल्डर बात करें तो रामप्रस्था बिल्डर के यूं तो कई प्रोजेक्ट है, लेकिन सेक्टर 37 रामप्रस्था सोसाइटी की अगर बात करें तो यहाँ पर लोगों के सामने एक चुनौती है मूलभूत सुविधाओं को लेकर के, यहाँ तक कि सफाई व्यवस्था को लेकर के बात की जाए। पानी की दिक्कत की अगर इनका कहना है कि यूं तो सोसाइटी में रह रहे हैं लेकिन पानी पीने का तक इनके पास लोगों के पास नहीं होता, जिसके लिए इनको परेशान होना पड़ता है कहीं ना कहीं। चाहे फिर इसके अलावा अगर बात की जाए तो लिफ्ट की बात की जाए तो उनका कहना है कि वो भी यहाँ पर नहीं है। बिजली की बड़ी चुनौती रहती है, जो बिजली के वादे जो किए गए थे, जिस चीज के चार्जेस इनसे लिए जा रहे हैं, इनका कहना है तो प्रीपेड मीटर है लेकिन प्रीपेड मीटर में भी ये लोग जो अपने समय पर पैसे उनका कहना है कि भर रहे हैं लेकिन उनको बिजली उपलब्ध नहीं हो रही है। इसको लेकर के कई बार इन्होंने बिल्डर के सामने अपनी शिकायत रखी है, प्रशासन के सामने भी अपनी बात रखी है, लेकिन वो कहना है कि किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। ऐसे में कहना कि बिल्डर की मनमानी से ऐसे सैकड़ों परिवार है जो कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं, जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं और कहीं ना कहीं बिल्डर के खिलाफ, और हालांकि लापरवाही बिल्डर की है, कहीं ना कहीं धोखाधड़ी बिल्डर की है और इसका कहीं ना कहीं नाराजगी ऐसे में अगर बात करें तो प्रशासन के खिलाफ भी लोगों की निकलती है। गुस्सा जो है वो प्रशासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ निकलता है, जिसको लेकर लोगों के द्वारा नाराजगी भी जाहिर की जा रही है। हालांकि रामप्रस्था बिल्डर की बात की जाए तो इस मामले पर भी अभी भी बिल्डर कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। हालांकि इनको कई बार आश्वासन मिला है कि इनको ये सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी लेकिन उसके बावजूद तमाम लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जी दीपक, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो हमारे ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा को आप सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि किस तरह रामप्रस्था सोसाइटी के लोग परेशान होने को मजबूर हो रहे हैं।